बड़ा की जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव गिरने का मामला भोपाल पहुंचा है, जहां निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने से बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 7 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जहां 20 से ज्यादा नगर निगम पार्षद भोपाल रवाना हुए हैं। भोपाल में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात पार्षद करेंगे, उसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी इस दौरान मुलाकात पार्षद कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से मिलकर भी तमाम जो पार्षद हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद में बीजेपी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और इसी के तहत एक मुलाकात की बात यहां पर कही जा रही है। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं। अमित, जिस प्रकार से हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद में जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा सख्त नजर और गंभीर नजर आ रही है, क्या इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर वो 7 पार्षद कौन से थे जिसने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्रॉस वोटिंग की है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय छिंदवाड़ा में जो नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसके खिलाफ बेहद संजीदा है। भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम छिंदवाड़ा में बहुमत था, 34 पार्षद एक तरफ थे और कांग्रेस अल्पमत में थी, जहां पर उनके पास 14 पार्षद थे। मगर फ्लोर टेस्ट हुआ, अविश्वास प्रस्ताव आया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था वो गिर गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी छिंदवाड़ा पर हुई। इसको लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा नजर आ रही है। पार्षदों को समय दिया गया और भोपाल बुलाया गया है। 20 से अधिक पार्षद, 2 दर्जन से अधिक पार्षद भोपाल पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इनकी बारी बारी मुलाकात होना है और संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेताओं से भी चर्चा होगी। कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम छिंदवाड़ा में हारी, इन सब चीजों की पतासाजी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, प्रदेश संगठन जो है लगाने जुटी हुई है। बेहद गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होने के बाद भी निगम में कैसे हार गई, इस चीज को लेकर पतासाजी की जा रही है। 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर सियासत जो है गर्म है और नगर निगम अविश्वास प्रस्ताव का पूरा मामला भोपाल पहुंच गया है। छिंदवाड़ा नगर निगम की सियासत इस समय गर्म दिखाई दे रही है उनको। बिल्कुल, तो इस मुलाकात के बाद में बारीकी से जांच भी की जाएगी और स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर वो कौन से 7 पार्षद थे जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।